कैथारसिस, ये शब्द सुनते ही मन में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति होती है। ये एक ऊर्जा की घटना है। हमारे भीतर दबी हुई भावनाएं वे सभी धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं, उबलने लगती हैं और तब एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। तुम चिल्ला रहे हो और वहाँ ऊर्जा है। चिल्लाने के बाद तुम्हें एक राहत महसूस होती है, मानो एक बोझ गायब हो गया हो। तुम हल्का महसूस करते हो, अधिक आरामदायक, शांत और रिलैक्स महसूस करते हो। लेकिन अगर कोई दबी हुई भावना नहीं है तो कैथारसिस सिर्फ एक प्रदर्शन हो जाएगा, एक एक्ट हो जाएगा और वो तुम्हें थका डालेगा राहत देने के बजाय। तुम अपनी ऊर्जा खो दोगे क्योंकि तुमने अनावश्यक रूप से ऊर्जा खर्च की है। कोई दबी हुई भावना नहीं थी, कुछ भी ऊपर नहीं आ रहा था और तुम अनावश्यक रूप से कूद रहे थे और चिल्ला रहे थे। यदि कैथारसिस सच्ची है तो इसके बाद तुम खुद को पुनः जीवित महसूस करोगे, और यदि कैथारसिस झूठी है तो तुम थकान महसूस करोगे। यदि कैथारसिस सच्ची थी तो इसके बाद तुम खुद को बहुत बहुत जीवंत महसूस करोगे। एक बोझ गायब हो गया है, तुम अधिक युवा, अधिक जीवंत, ताज़ा महसूस करोगे। तुम्हें देखना होगा, कोई और नहीं बता सकता कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। तुम्हें अपना निरीक्षण करना होगा, खुद को ऑब्जर्व करना होगा, सावधान रहना होगा कि कहीं तुम खुद से झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि कैथारसिस लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ एक साधन है। एक दिन इसे छोड़ देना है। ये एक नाव की तरह है, नदी पार हो गई, पर्पस सॉल्व हो गया, अब नाव को सर पर ढोने की जरूरत नहीं है। याद रखो, कैथारसिस तुम्हारा जुनून एक पागलपन बन सकता है। तुम इसे करते रह सकते हो और फिर ये एक दिनचर्या बन सकता है, एक पैटर्न। इसे पैटर्न नहीं बनाया जाना है। सावधान रहो, सजग रहो।